आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1.10। पिछले लेक्चर में हमने 1.9 एग्जाम्पल की थी, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास एग्जाम्पल 1.10, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन नंबर ऑफ एटम्स। हमें अब ये सिचुएशन दी गई है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं तब जब हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एक ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, हाँ इसका एक ही क्वेश्चन है। टाइटेनियम इज कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल दैट इज यूज्ड इन रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट्स एंड जेट इंजन्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मेटल इन अ सैम्पल कंटेनिंग 3.011×10^23 टाइटेनियम एटम्स, ठीक है। अब हमने ये सवाल समझ लिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में रिमेंबर दैट वन मोल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 6.022×10^23 एटम्स, ठीक है। ये हमें पता है कि ये जो एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है ना, ये 6.022×10^23 एटम्स, ये एक मोल के इक्वल है, ठीक है। अब ये जो है, अब हमने फाइंड करना है कि हमारे पास इतने एटम्स हैं तो ये कितने मोल्स के इक्वल होगा, ये हमारा सवाल है सारा। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हमने क्या करना है, 6.022×10^23 टाइटेनियम एटम्स में एक मोल है, तो एक टाइटेनियम एटम को हम अब करेंगे क्या, हम वन को डिवाइड करवा देंगे एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। आगे लिख देंगे मोल्स ऑफ टाइटेनियम, फिर ये एक टाइटेनियम एटम के मोल्स निकल रहे हैं। अब 3.011×10^23 टाइटेनियम एटम्स है, इसको इक्वल करवा दिया, वही हमने जो ऊपर लिखा था 1/एवोगैड्रो नंबर वो लिखा, इसको मल्टीप्लाई, ये जो 3.011×10^23 है इसको मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास मोल्स आ गए जो कि हैं 0.5 मोल्स ऑफ टाइटेनियम। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1.11।